संत थॉमस स्कूल में मनाया गया क्रिसमस का भव्य त्यौहार तिहोवा के नज़दीक संत थॉमस स्कूल में क्रिसमस का भव्य फंक्शन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम किया। जिन बच्चों ने खेलों में स्टेट लेवल में भाग लिया था, उन बच्चों को इनाम बांटे गए। संत थॉमस संस्था के उच्च अधिकारियों द्वारा दीपमाला करके फंक्शन की शुरुआत की गई। फादर माइकल से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि यह संस्था जिले की इकलौती संस्था है, जिस द्वारा चलाया जा रहा स्कूल जिले का इकलौता ICSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल है तथा यहां का स्टाफ उच्च शिक्षा प्राप्त है और यह स्कूल पूरी तरह इंग्लिश मीडियम है। फादर माइकल ने बताया कि यह स्कूल रूरल एरिया में है और गरीब बच्चों से बहुत कम फीस लेकर उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। यह संस्था सामाजिक कार्यों में भी बहुत आगे है तथा आपदा आने पर गरीब लोगों के घरों की मरम्मत भी इस संस्था द्वारा करवाई जाती है। संत थॉमस संस्था द्वारा समय समय पर कैंप भी लगाए जाते हैं, जिसमें लोगों को काफ़ी राहत मिलती है। रूरल एरिया में ऐसा ICSE बोर्ड का स्कूल होना यहाँ के लोगों के लिए गौरव की बात है। यहाँ के स्थानीय लोग संत थॉमस संस्था से बहुत प्रभावित हैं। फादर माइकल से बातचीत करने पर उन्होंने इस संस्था के बारे में विस्तार से बताया। आप क्रिसमस के बारे में बताइए, कैसे आप त्यौहार कैसे मनाते हैं? क्रिसमस का मतलब है ईश्वर मनुष्य बनना है। ईश्वर मनुष्य बन के हमारे बीच में आना है, निवास करना है और हमें पापों से मुक्ति देना है और हमको ईश्वर से टूटे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़कर हमें उनके संतान बनाने के लिए ईश्वर ने मनुष्य रूप लेके इस धरती पर आया, वही है क्रिसमस। अब ये आप इस क्रिसमस मतलब कोई संस्था चला रहे हो इसकी तरफ से, ये स्कूल वगैरह चला, इसके बारे में बताइए आप। हमारा स्कूल शिमला चंडीगढ़ एजुकेशन सोसाइटी, जो हमारा सेंटर है चंडीगढ़ में है, सेक्टर 19A, वहाँ हम लोग ना सिर्फ पेहवा बल्कि और भी अलग अलग स्टेट में, चंडीगढ़ में भी काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स हम चला रहे हैं। ये स्कूल इस इलाका में, इस रिमोट एरिया में इसलिए हमने खोला कि यहाँ के गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को जैसे शहर में मिल रहा है उसी तरीके का क्वालिटी ऑलराउंड एजुकेशन इधर भी मिले, शिक्षा मिले, ताकि इनके बच्चों का भी अच्छा भविष्य बने। इसको मन में रखते हुए बहुत कम फीस रख के हम लोग ये स्कूल इस रिमोट एरिया में हमने खोला है और यहाँ बहुत अच्छा हमें महसूस हो रहा है। लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, पेरेंट्स का भी मिल रहा है और हम खुद बस प्रोवाइड करते हैं बच्चों को लेके आने के लिए और उनको छोड़ने के लिए भी हमारे पास सारा सुविधा है। और इतना तक ही, जब कुछ हो जाता है बच्चों को, हमारा पास सुविधा भी है कि हम उनको मेडिकल असिस्टेंस दें, या हमारे पास नहीं है तो हम बाहर भी ले जाके बच्चों को जल्दी हम करते हैं। सब सुविधा है, सुरक्षित है और पूरा CCTV कैमरा के नज़र में सब कुछ रखा हुआ है और बच्चे भी बहुत सुरक्षित हैं। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? अभी हमारे स्कूल में 400 बच्चे हैं। ये ICSE अफिलिएटेड स्कूल है, सिर्फ एक ही स्कूल इस कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है और इन बच्चों को काफ़ी एक्सपोजर प्रोग्राम मिलता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर प्रोग्राम मिलता है। अभी कुछ दिन पहले ही ओलंपियड में हिंदी, इंग्लिश, SST में बच्चे गए थे और आज हम उनका नाम डिक्लेयर करने वाले हैं। कुछ बच्चे हमारे स्कूल से भी सेलेक्ट हुए हैं, इसमें कामयाब हुए हैं। इसके अलावा आपके कल्चर एक्टिविटी और स्पोर्ट्स के बारे में बताइए, कैसे बच्चों को? स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे स्टेट लेवल पर जाके आए हैं, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो और रेस शॉर्टपट, इसमें स्टेट लेवल तक बच्चे जाके आ चुके हैं। और इन बच्चों को उत्साह को बढ़ाने के लिए हमारे समदोली गांव के सरपंच शेड्डी साहब भी काफ़ी सहयोग देते हैं और उनके तरफ से भी यहां हमारे स्कूल में आके बच्चों को, अगर इन बच्चों को पारिवारिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है तो वो भी अपने तरफ से मदद करता है। पिछले बार भी आके उनको कुछ कैश अवार्ड दे के उनका उत्साह को बढ़ाया है और बच्चों को हम पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं, ना सिर्फ शिक्षा के बल्कि ऑलराउंड एजुकेशन। यहाँ बहुत कुछ एक्टिविटीज़ होता है, योगा क्लासेस भी हैं और हम स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं और हम बच्चों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका भी, और अलग अलग कमेटी के तरफ से पानी बचाओ,
और बिजली बचाओ, ये सब कमेटी है और बच्चे हैं इसको हेडिंग कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं इन सबको करने के लिए। आखिर में ये बताइए कि आप क्रिसमस कैसे मना रहे हो? हम क्रिसमस 24th रात को 11:30 बजे से कैरल सिंगिंग से फिर हम सत्संग कंडक्ट करेंगे। एग्जैक्टली जब 12 बज जाता है रात को एकदम, उस समय हम चर्च का घंटी बजाते हुए हम महिमा गान गाते हुए सर्वोच्च प्रभु की महिमा हो और धरती पर कृपा पात्रों को शांति, ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुतिगान करते हुए अच्छी तरह से दिल से हम लोग ये क्रिसमस की सत्संग कंडक्ट करते हैं। इसमें और बहुत भाई बहन आसपास में रहने वाले लोग भी अच्छे अच्छे लोग बहुत लोग आते हैं, शामिल होते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है इस इलाका में शिक्षा देना और सत्संग वगैरह लोगों को सही रास्ते पर ले आना बहुत अच्छा लगता है।